सर्वप्रथम श्री आराध्य देवी राधा रानी के चरण बिंद में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत नमन। सद्गुरुदेव महाराज जी, आमंत्रित देवी देवताओं सभी के चरण बिंद में कोटि कोटि नमन। कथा श्रवण हेतु पधारे हुए सभी भक्तगण, श्रीजी टेलीविजन के माध्यम से कथा का रसपान करते हुए सभी भक्तगण, सभी को प्रेम भरा राधे राधे। आई अपने मन अरवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम कीर्तन गुणगान करते हैं और दिव्य कथा का रसपान करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय तालियों के साथ में आइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा जय जय राधा हरि जय जय राधा रमण हरि वो 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 जय जय राधा श्री राधा रमण भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा से आज यह पावन भूमि में माँ जानकी के दरबार में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह ज्ञान गंगा रूपी गंगा सागर बहती हुई आज माँ गंगा की माँ जानकी की चरण में पधारी हुई है। सभी भक्तगण पधारे हैं डुबकी लगाने गोता लगाने। तो आइए आज तृतीय दिवस की कथा है भगवान का इस दिव्य कथा रसपान करते हैं प्रवेश करते हैं। पूर्व प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया कि परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप प्राप्त होता है और गंगा जी की ओर जाते हैं। वहाँ एक दिव्य महापुरुष जिनका नाम श्री सुखदेव स्वामी पधारते हैं और परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि जिस किसी को भी 7 दिन में मरना हो तो क्या करना चाहिए। तब व्यास पुत्र श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित मुक्ति तो 2 घड़ी में भी मिल जाती है, 7 दिन तो बहुत दूर की बात है। और खटवांग नाम के राजा थे जो अयोध्या के राजा थे जो राम भगवान के पूर्वज थे, उन्होंने 2 घड़ी में मुक्ति प्राप्त की ध्यान के माध्यम से। तब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि ये ध्यान क्या है महाराज। तो ध्यान का वर्णन करते हैं। तत्पश्चात 4 श्लोक की भागवत का वर्णन करते हैं। फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भागवत जी का लक्षण क्या है। तब भागवत जी का 10 लक्षण बताते हैं सुखदेव स्वामी। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम् पोषणमूतयः
मनवंतरे सानो कथा निरोधो मुक्ति राश्रय। यह तीसरा स्कंद से बारहवें स्कंद तक वर्णन किया गया है भागवत जी का लक्षण, और आगे सृष्टि प्रसंग, सृष्टि स्थिति, सृष्टि का विस्तार का प्रसंग यहाँ श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराज को श्रवण करवाते हैं। तब शौनक ऋषि भी सुत जी को पूछते हैं कि महाराज, यह सृष्टि विस्तार का जो प्रसंग है, यह प्रसंग विदुर जी महाराज को मैत्री ऋषि ने भी कहा था, तो वह प्रसंग हमको भी श्रवण करवाई। तब यहाँ सृष्टि विस्तार का प्रसंग आता है, जहाँ विदुर चरित्र का वर्णन है, महाभारत का प्रसंग आता है। विदुर जी हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। जब कौरवों ने छल करके पांच पांडव लगाए, सभी को वनवास की ओर भेजे, तब विदुर जी को बड़ा खराब लगा, बड़ा उचित नहीं लगा। तब विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा देवी को लेकर कदली वन की ओर जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। और विदुर जी कदली वन में तो रहते थे, लेकिन अपने कर्म से कभी भी च्युत नहीं हुए। वो आते थे दरबार में, अपने कर्म करते थे, फिर चले जाते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण भारी सभा के मध्य पधारते हैं और दुर्योधन के दरबार में दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन, तुम्हारे शर्त के बमोजिम पांच पांडवों ने वनवास का कार्यकाल पूर्ण कर दिया और एक साल अज्ञातवास भी कर दिए। अब उन सभी का राज्य वापस कर दो। लेकिन दुर्योधन कहता है कि महाराज, युद्ध के बिना तो मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं जमीन नहीं उपलब्ध करवाऊंगा, नहीं दूंगा। तब भगवान कहते हैं कि दुर्योधन, तब तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तब दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। तब दुर्योधन अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ, इसको बंधन कर दो, कैदी कर दो, कैद कर दो। तब भगवान ने अपने आप को विराट रूप में प्रदर्शित कर दिया। फिर दुर्योधन को लगा, ये तो भगवान है, इनको मैं कैसे कैद कर पाऊंगा, इससे अच्छा तो इनको अब भोजन करवा के भेजूं यहाँ से। तब कहने लगा कि प्रभु, अभी 56 भोग तैयार है, आइए भोजन करते, ये छोटी मोटी बात तो होती रहती है, आइए भोजन करने चलते हैं। तब भगवान कहने लगे कि दुर्योधन, एक तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, और दूसरा बात कि आज मुझे विदुर जी के घर में भोजन के लिए निमंत्रण किया गया। अब विदुर जी भी वही भारी सभा में थे। तब विदुर जी जैसे श्रवण करते हैं कि भगवान हमारे घर में आने वाले हैं, वो भी भोजन करने के लिए, तब वहां से दौड़ दौड़ के आते हैं और आकर अपनी पत्नी से कहने लगे, अरे देवी, आज तो भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में भोजन भोग लगने के लिए आ रहे हैं। जैसे विदुरानी ने श्रवण की, स्नान करने के लिए चली गई। इधर विदुर जी मेवा मिश्री लेने के लिए चले गए। भगवान श्री कृष्ण पधारते आते हैं और कहने लगे, चाची आप कहाँ हो। अब विदुरानी उधर स्नान कर रही थी, जैसे अवस्था में थी वैसे अवस्था में आ गई स्वागत करने ठाकुर जी का। भगवान श्री कृष्ण ने देखे कि चाची का सुध बुध खो गया, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रही थी, मेरा आवाज श्रवण करते ही इनका होश उड़ गया। तो अपने पीताम्बर वस्त्र को आदेश देते हैं कि जाओ मेरे चाची के शरीर को लपेटो। तब पीताम्बर वस्त्र जाके विदुरानी का शरीर लपेट लेता है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि चाची स्वागत बाद में कर लेना, अभी तो मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। थोड़ी देर पहले
जब दुर्योधन ने कहा कि प्रभु 56 भोग तैयार है, तो उस समय भगवान ने क्या कहा? मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। और अभी थोड़ी देर बाद विदुरानी से क्या कहते हैं कि चाची बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। विदुरानी रसोई में जाती है तो देखती है कि कच्चे केले हैं और कुछ नहीं खाने के लिए, कच्चे केले हैं। तो वही लेके आती है और कहती है कि मैं आग में कुछ पका कर लेके आती हूँ, बना कर ले आती हूँ, आप थोड़ी देर रुक जाइए। भगवान कहते हैं कि चाची इतनी जोर से भूख लगी है ना, वो कच्चे केले भी सही, वही लाओ, वही खाऊंगा। तब विदुरानी कच्चे केले लेके आई और शुद्ध बुद्ध तो था नहीं, और केले का जो छिलका होता है, छिलका भगवान को देती थी और अंदर का जो केला था वो फेंक देती थी। और भगवान बड़े प्रेम से वो केले के छिलके खा रहे थे, पान कर रहे थे, भोग लग रहे थे बड़े प्रेम से। उसी समय विदुर जी हाथ में मेवा लेके आ गए और विदुरानी को डांटने लगे, अरे क्या कर रही हो, तुमको पता है अभी अभी दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर हमारे घर में आए हैं और तुम केले के छिलके खिला रही हो। तब भगवान कहते हैं कि आप क्या लेके आए हो? तब विदुर जी कहते हैं कि मैंने मेवा लेके आया हूँ, बड़ा स्वादिष्ट होगा, देखने में तो लगता है। तब तुरंत अमनिया करके भोग लगाते हैं। ठाकुर जी जब मेवा को मुंह में डाले तो मुंह बिगाड़ लिया। तब विदुर जी कहते हैं कि प्रभु मेवा ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, जितना मीठा स्वाद विदुरानी के केले के छिलके में था वो स्वाद तुम्हारे मेवा में नहीं है। भगवान क्या कहना चाहते हैं, जो प्रेम विदुरानी करती है वो प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है, वो भाव, मैं तो भाव का भूखा हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे कुछ भी दे दो सब चलेगा, लेकिन प्रेम से दे दो, भाव से दे दो। इसलिए तो भगवान ने अपने जीवन काल में जब जब भगवान अवतार लेके या धराधाम में आ गए तो उस समय भगवान केवल 3 बार भक्तों के घर में जाकर भोग लग, एक बार विदुरानी के घर में, एक बार विदुरानी के घर में, दूसरा सवरी के घर में और तीसरा कर्मबाई के घर में भगवान जाकर खुद भोग लगते थे। तो इसलिए भगवान को क्या देना चाहिए, अगर दे सकते हो तो प्रेम देना चाहिए, भाव देना चाहिए। जब भगवान तो भाव के भूखे हैं और क्या दे सकते हैं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम के सबम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम दामोदरम।
कहते हैं भगवान सुने चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भगवान को भाव चाहिए और हम क्या दे सकते हैं भगवान को। सबरी जिसके घर में भगवान खुद खाली पैर चल के जूठा बहर खाने पहुंचे। जूठा बहर रोज जाती थी सबरी वन में जाती थी और बैर तोड़ती थी और पहले खुद स्वाद लेती थी कि अच्छा है कि नहीं, मीठा है कि नहीं। अगर मीठा हो तो डाली में भर के ले आती थी मेरे राम के लिए, मेरे प्रभु के लिए। और सबरी के लिए ही प्रभु इस धराधाम में अवतार लिए। भगवान रावण को मारने नहीं आए थे, वो तो संकल्प करने से ही पूर्ण हो जाता था। भगवान का जब भृगुटी टेढ़ी होती है तो प्रलय आ जाता है। तो रावण मारना कौन सा बड़ा बात था, लेकिन भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। सबरी जब मतंग ऋषि ने बोल दिए अंत समय में कि तुम्हारे घर में भगवान श्री राम खुद आएंगे तुमको दर्शन देंगे, तब उस दिन से 80 साल तक रोज सवरी इंतजार करती थी भगवान कब आएंगे, कब मुझे दर्शन देंगे। रोज रास्ता साफ करती थी, रोज फूलों से सजाती थी। और एक दिन भगवान सवरी के घर में पधारे
और जूठा वैर जब पान करने लगे, लक्ष्मण जी चकित हो गए, आज क्या हो गया हमारे प्रभु को, ऐसी चेहरा है, मुंह में न दांत है, वृद्ध अवस्था की महिला, फटा हुआ साड़ी पहनी है चेहरा, और सबर जात की है। भगवान ना तो रूप देखते हैं, ना कोई जात देखते हैं, ना कोई, सिर्फ और सिर्फ ये हृदय, ये मन देखते हैं प्रभु। भगवान के लिए वही, जो भक्त भगवान को अति प्रेम करता है, उनका जो वायरी आवरण है ना, वो कितना श्रृंगार करते हैं लोग, कि लोगों को रिझाने के लिए, लेकिन लोगों को रिझाना नहीं है, भगवान को रिझाना है। तो भगवान को रिझाने के लिए तो हृदय को पवित्र करना चाहिए ना। तो यहाँ आज विद्रानी के घर में भगवान आते हैं और केले के छिलके साग पान करके जाते हैं, और वही विदुर जी उधर भगवान जाकर महाभारत का युद्ध करवाते हैं, और विदुर जी मैत्री जी के पास जाते हैं, और सृष्टि विस्तार के जो वर्णन यहाँ आता है, मैत्री जी कहते हैं विदुर जी को कि भगवान को एक बार लगा कि एको हम बहु श्याम, मैं अकेला हूं, अब मैं ज्यादा से ज्यादा बनना चाहता हूं। तब यह सोचते ही भगवान श्री नारायण के नाभि से एक कमल का प्रादुर्भाव हुआ, और उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मुझे किसने पैदा कर दिया, मैं किसका पुत्र हूं। चारों ओर देखने लगे, चारों ओर जल ही जल था। तब तप करने लगे, यानी कि तपस्या करने लगे। तब भगवान प्रगट होकर कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि विस्तार करो। तब भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ कर दी, और ब्रह्मा जी ने प्रारंभ करके सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यह चार सनत कुमार ऋषियों का रचना की। इन चार ऋषियों से कहा कि सृष्टि विस्तार करो, लेकिन चार ऋषि मुनियों कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको तो गृहस्थ में फंसना नहीं है, सृष्टि विस्तार करना नहीं, हमको तो भजन करना, भगवान का नाम लेना। अब चारों ओर अपने मार्ग निकल पड़े। तब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और भृगुड़ी टेढ़ी कर दी, तो बीच से नील बालक, नील लोहित बालक का जन्म होता है। जन्म लेते ही वो बालक रोने लगता है और ब्रह्मा जी को पूछता है कि मेरा नाम क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जन्म लेते ही रोने लगे, तुम्हारा नाम आज मैं रखता हूं कि रुद्र। भगवान शंकर जी बोल, शंकर भगवान की जय। तब भगवान रुद्र को कहते हैं कि जाओ सृष्टि विस्तार करो। अब भगवान शंकर तो भूत प्रेत पिशाच गण का सृष्टि विस्तार करने लगे। फिर ब्रह्मा जी आते, नहीं नहीं ये मत करो, मनुष्य का सृष्टि विस्तार करो। तब शंकर जी छोड़ दिए। इधर पुनः ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करने लगे और 10 मानस पुत्र का प्रकट किया। फिर भी ब्रह्मा जी के मन में संतुष्ट नहीं हुआ। तब सोचने लगे कि मैथुनी प्रक्रिया से सृष्टि विस्तार करना आसान है, एक स्त्री और एक पुरुष बना दिया गया। दायां भुजा से मनु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और बायां भुजा से शत्रुपा महारानी प्रकट हो गई, और आज जितने भी यह संसार में मनुष्य है ना, ये सब मनु महाराज के ही संतान, हम सभी मनु महाराज के संतान। शुरुआत कहां से हुआ? मनु महाराज से हुआ। तब मनु और शत्रुपा को कहने लगे कि जाओ सृष्टि विस्तार करो। तब मनु महाराज कहते कि महाराज सृष्टि विस्तार तो करूंगा, लेकिन रखूंगा कहां, क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो रसातल में गई हुई है, पृथ्वी तो रसातल में है, तो रसातल में किस कौन ले गया? तो हिरण्याक्ष नाम के एक दैत्य है, हिरण्याक्ष नाम के दैत्य। तब उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आता है,
तो छींक आता है, तो उस समय नाक से स्वर के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, जिसको हम कहते हैं वराह भगवान। बोल वराह भगवान की जय। वराह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और छलांग लगाते हुए जाते हैं और जाकर हिरण्याक्ष को अंत कर देते हैं और पृथ्वी माता को लाकर स्थापित करते हैं। तब यहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं यह हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में जय नाम का भगवान का पार्षद था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों दैत्य हैं। ये दोनों पूर्व जन्म में भगवान श्री नारायण के पार्षद थे। एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार ऋषियों जब भगवान श्री नारायण के दर्शन करने गए तो द्वार में उन दोनों ने रोक दिए। तब उसी समय श्राप दिया गया कि अगले जन्म में तुम दोनों दैत्य बन जाओ। तब चरण पकड़ लिए संकादिक ऋषियों को। तब संकादिक ऋषियों कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए स्वयं भगवान उद्धार करने उपस्थित हो जाएंगे। तो एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन गए, दूसरा जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन गए और तीसरा जन्म में कंस और शिशुपाल बन गए। और ऐसे यह एक बार माता दीति कश्यप के साथ में जाती है और कहती है कि मुझे संतान दे दो, संतान दे दो। तब सांझ के समय था, तब कहने लगे ऐसा घुरतमा वेला घूरणाम घुरदर्शना। देवी यह शाम के समय भगवान का आरती करने का समय है, दीपक जलाने का समय है, तो यह समय संतान देने का समय नहीं। लेकिन दीति माता बड़ा जिद्दी करने लगी। स्त्री हट जो होता है ना बड़ा भयानक होता है, एक बार पकड़ ली तो अब छूटी नहीं रहा। तब ऐसे कहने लगी कि मुझे अभी दे दो संतान, अभी चाहिए। तब जब कश्यप ऋषि संतान प्रदान किए उसी समय भगवान शंकर पहुंच गए और भगवान शंकर जी कहने लगे अरे साँझ ये संध्या के समय में यह कुकर्म कर रहे हो, ये गलत है, तुम्हें श्राप देता हूँ। दीति तुम्हारे गर्भ से दो बालक का जन्म होगा और दोनों दैत्य हो जाए। अब दीति माता को बड़ा चिंता हुई और 100 साल तक उन्होंने दो बालक को गर्भ में ही स्थापित किया, जन्म नहीं दिए। जब 100 साल हुआ, 100 साल के बाद भगवान शंकर स्वयं आए और कहने लगे कि दीति ये दो बालक को जन्म दे दो, इन दोनों के लिए ही भगवान इस धराधाम में अवतार लेंगे तुम्हारे पुत्र के लिए। तब जाकर दीति माता जन्म देती है और वही हिरण्याक्ष को आज भगवान वराह के रूप में उद्धार करते हैं। बोलिए वराह भगवान की। तो ऐसे उद्धार करते हैं और आगे पुनः ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ कर देते हैं और अपने छाया से कर्दम ऋषि का प्रकट किया, कर्दम ऋषि को प्रकट किया और कर्दम ऋषि तपस्या में लीन हो गए। भगवान श्री नारायण प्रकट होते और कहते हैं कि जाओ तुम देवूति के साथ विवाह कर लो और तुम्हारे घर में मैं पुत्र बनकर आऊंगा। तब इधर मनु महाराज की मझली पुत्री थी देवूति, उनके साथ कर्दम ऋषि ने विवाह कर लिया और ध्यान में चले गए। 10,000 सालों के बाद जब नेत्र खुलता है तो देवूति माता दुबली पतली सेवा कर रही है। तब मन में बड़ा प्रेम आता है, तब कहने लगते हैं कि कुछ वरदान मांगो मेरे से। तब माता कहती है कि मुझे एक संतान प्रदान कर दीजिए, संतान दीजिए। तब दोनों बिंदु नाम के सरोवर में जाते हैं और स्नान करते हैं, दोनों नवयुवक नवयुवती बन जाते हैं और उसके बाद एक सुंदर सा विमान रचना करते हैं कर्दम ऋषि और उसी विमान में रहकर क्रीड़ा करने लगते हैं। तो पहला संतान बेटी हुई, दूसरा भी बेटी, तीसरा बेटी, चौथा बेटी,
करते करते 9 बेटी हो गए। अब देखिए अभी के जमाने में होता तो घर में क्या हाल होता होगा, एक बेटी दो बेटी तीन बेटी करते हुए 9 बेटी पैदा हो गई। फिर भी कर्दम ऋषि बड़े स्वाभिमान से सभी को यहाँ 9 बेटी का शादी कर देते हैं, शादी करवाते हैं ब्रह्मा जी के 9 पुत्र के साथ में। और उसके बाद वन की ओर जाने लगे तब पुनः देवूति माता कहती है कि एक संतान और दीजिए ताकि मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, आप एक संतान और प्रदान कर दीजिए। तब पुनः भगवान का वाणी याद आता है कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन कर आऊंगा। तब भगवान को प्रार्थना करते कि प्रभु अब समय हो गया, आप पधारे हमारे घर में। तब भगवान आज कर्दम ऋषि के घर में देवती माता के गर्भ से कपिल भगवान के रूप में इस धरा धाम में प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल महाराज को जय। कपिल भगवान के रूप में इस धरा धाम में आते हैं और कर्दम ऋषि अब वन की ओर जाने लगे। तब माता देवती रोने लगती है। तब कर्दम ऋषि जाने के बाद कपिल देव महाराज अपनी माता को समझाते, मैया हम सभी को गृहस्थ में रहकर भी साधुओं का जैसा मन हृदय बनाना चाहिए, संतों का जैसा मन बनाना चाहिए। कैसा? तितिक्षव कारुणिकः सूरिदास सर्वदेहिनाम् अजातशत्रव शांता साधव साधु भूषणा। मैया हमारे जो हृदय ना नवनीत माखन जैसा होना चाहिए, जैसे कि उसको थोड़ा सा निकाल कर हमारे हाथ में भी रख देंगे तो इस शरीर का जो अग्नि है ना इसमें भी वो पिघल जाता है। ऐसा हृदय होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए और सुख और दुख को एक नजर से देखना चाहिए, शत्रु और मित्र को भी एक भाव से रहना चाहिए, एक भाव से व्यवहार करना चाहिए किसी के साथ भी। मैया आज पिताजी वन की ओर जा रहे हैं, उनको सत्य समझ में आया क्योंकि यह धराधाम एक दुख का सागर है, ये दुखालय है, यहाँ किसी को भी जीवन भर सुख ही सुख कभी नहीं होगा। इसलिए मैया आप निश्चिंत रहिए और भगवान का ध्यान कीजिए। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी यहाँ सुखी केवल भगवान कृष्ण के दास, भगवान के दास। तो इसलिए मैया भगवान का भजन कीजिए। तब इधर देवूति माता सिद्धि प्रदा नाम की नदी बन जाती है और कपिल देव भगवान भी गंगा सागर की ओर जाते हैं। इसलिए आज के दिन भी मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने के लिए क्यों जाते लोग, क्योंकि आज भी कहते लोग कि उस दिन कपिल देव भगवान दर्शन देने आते हैं, आज भी गंगा सागर में दर्शन करने जाते। बोलिए कपिल देव महाराज को। तैसे कपिल देव महाराज का प्रसंग श्रवण करवाते हैं। तीसरा स्कंद विश्राम देते हुए अब हम सभी चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज मनु की 3 कन्याएं में आकुति देवूति और प्रसूति, हम सभी ने देवूति माता का कथा भी श्रवण किया। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है और पुत्र का धर्म के अनुसार उनके 2 संतान होते, यज्ञ और दक्षिणा दोनों श्री नारायण और लक्ष्मी माता के रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि यज्ञ करवाने के बाद अगर दक्षिणा नहीं देंगे तो अपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी है ऐसे कहते हैं। और आगे देवूति माता का जो विवाह हुआ तो उसमें 9 कन्या जन्म ली थी, उसमें से 1 कन्या का नाम था अनसुईया। यह चरित्र बड़ा सुंदर है, भागवत जी में बड़ा कम है फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। अनसुईया माता ने ही सीता माता को पतिव्रता धर्म का ज्ञान दी थी।
सीता मैया को। इसीलिए सीता मैया ने एक तिनके के भर में, रावण जब आता था तो जब वो एक तिनका उठाती थी ना, तब रावण चला जाता था। तो एक तिनके के भर में रावण को ऐसे रखी थी कि वो देख भी नहीं सकता था सीता माता को। सीता माता वैसे तो राम कथा भागवत जी में 2 श्लोक में वर्णन किया है, फिर भी राम कथा तो ऐसा कथा है कि आदर्श चरित्र, और ये कृष्ण कथा है विचित्र विचित्र, ये अलग है। राम कथा जब श्रवण करने बैठते हैं तो अश्रु प्रवाह कभी रुकती नहीं, और कृष्ण कथा श्रवण करने बैठेंगे तो ये मुंह कभी बंद होगी नहीं, ये अलग है। और यहाँ अनसुया माता को जिसने पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया, अनसुया माता का चरित्र आता है। एक बार अनसुया माता इतनी पतिव्रता थी कि त्रिलोक में त्रिदेव गुणगान करने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। पत्नी हो तो अनसुया जैसी, अब कोई भी स्त्री अपने पतिदेव दूसरी स्त्री को प्रशंसा करने लगे तो उसको बड़ा क्रोध आएगा। तब अब भगवान से नारायण कहने लगे कि अनसुया जैसी पत्नी हो, तब लक्ष्मी माता का बड़ा क्रोध आया। उधर सरस्वती माता, उधर गौरी माता, सब तीनों माताएं इकट्ठा होकर कहने लगी कि अब एक काम करना चाहिए। क्या काम? कि त्रिदेवों को अनसुया माता का परीक्षा लेने भेजेंगे। तब भेज दिए त्रिदेव एक बटुक ब्राह्मण के रूप में अनसुया माता के द्वार में जाते हैं और कहने लगे विक्षांदही। अब अनसुया माता एक पात्र में अन्न लेकर आती है, बड़े सुंदर सुंदर बटुक ब्राह्मण आए हुए पधारे हुए, तब पात्र में कुछ दान करने के लिए अन्न लेकर आती है, लेकिन जैसे पहुंचती है वो बटुक ब्राह्मण कहने लगते हैं कि मैया हमको ये अन्न नहीं चाहिए, हमको तो भोजन कराओ, और वो भी निर्वस्त्र होकर। कैसा परीक्षा लेने लगे, हमको भोजन कराओ फिर, और क्या निर्वस्त्र हो गए। तब अब अनसुया माता बड़ा सोचने लगी क्या किया जाए। तब तीनों वटुक ब्राह्मण को अंदर घर के अंदर ले गई, और छोटे छोटे बालक के रूप में, नन्हे से बालक के रूप में वो लोग को बनाकर स्तनपान करवाने लगे। स्तनपान, अपने वचन को पूर्ण कर दे, निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ। तो छोटे छोटे बच्चे बनाकर स्तनपान कराने लगे। और इधर त्रिदेवी सोचने लगे कि अब हमारे पतिदेव तो गए हुए थे, क्या हो रहा है, एक बार दिखा जाए। तो जब देवियों ने देखा तब तो त्रिदेव तो पलना में झूल रहे, अब क्या किया जाए। तब त्रिदेवी भी भिक्षुणी का भेष धारण करके अनसुया माता के दरबार में पहुंचते हैं उस कुटिया में, और जाकर भिक्षांदे कहने लगे। आज अनसुया माता को विचित्र होने लगा, क्या हो रहा है, आज कभी बटुक ब्राह्मण आते हैं, कभी भिक्षुणी आती है, आज तो। तब पुनः पात्र में कुछ अन्न लेकर दान करने के लिए पहुंच जाती है, तो वो भिक्षुणी कहने लगे कि अगर हमको दान देना हो तो अंदर जो बच्चे हैं नन्हे से उनको दान दे दो। तब मैया छोटे छोटे बालक को लाके देती है। उसी समय अनसुया माता के पति देव अत्रि ऋषि का आगमन होता है, और जब अत्रि ऋषि को पता चलता है ये तो साक्षात त्रिदेव और त्रिदेवी हैं, तब हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इस बार जबरदस्ती आप लोग मेरे घर में बालक बनने आए हैं, लेकिन मेरा एक प्रार्थना है कि आप मेरे घर में पुत्र बनकर आ जाओ आप तीनों। तब समय होने के बाद भगवान ने वरदान दिया और चले गए वहां से। समय होने के बाद भगवान त्रिदेव दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय के रूप में
अनसुईया माता के दरबार में जन्म लेते हैं। बोल अनसुईया माता की जय। ऐसी माता तो भगवान से हम भी हम सभी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको भी भगवान से एक बार ऐसे ही अवसर प्रदान कर दे कि भगवान का दर्शन हो जाए। एक बार कम से कम वो श्याम से हमारा भी मिलन हो जाए। जैसे अनसुईया माता तो पतिव्रता धर्म के कारण त्रिदेव उनके घर में जन्म लेते हैं। हमारे पास तो उतना भी धर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, हमारे पास उतना सामर्थ्य भी नहीं होगा, भक्ति भी नहीं होगी, मंत्र भी नहीं आता है, हम तो पटमूर्ख हैं, हे प्रभु फिर भी आपका नाम जाप करने हमको आता है, आपको स्मरण करने हमको आता है और जितना आता है उतना हम प्रेम करते हैं, उसमें रीझ जाओ और एक बार बस एक बार दर्शन दे दो। और भगवान कृष्ण का दर्शन पाना हो तो किससे प्रार्थना करना चाहिए, बोलिए तो किसको बोलना चाहिए? भगवान राम का दर्शन करने का मन हुआ तो किससे पहले बोलना चाहिए? माँ जानकी को बोलना चाहिए, तब जाकर पहले माता को मनाया जाए तभी तो पिताजी मान जाते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना हो तो पहले राधा रानी को बोलना चाहिए, राधा राधा राधा, इसलिए के कहा जाता है क्योंकि जब राधा नाम भगवान श्री कृष्ण श्रवण करते ना तो अपने आप में खुश हो जाते, वाह कैसा भक्त है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी राधा नाम लेते हैं, कहते कि वैकुंठ में श्री नारायण का चरण कौन दबाता है, बोलिए तो नारायण तो शेष सैया में लेटे हुए होते हैं और चरण कौन दबाता है? श्री लक्ष्मी माता। लेकिन वृंदावन धाम में ये कहा जाता है कि स्वयं श्री ठाकुर जी राधा रानी के चरण दबाते हैं, इसलिए राधा राधा राधा। वहां आप जब जाएंगे ना तो आपको लगेगा वहां रिक्शा वाला भी कभी हॉर्न नहीं बजाएगा, वो राधे रास्ता छोड़ो कहेगा, सिर्फ मुंह में जुबान में राधा नाम ही होगा। तो यहाँ भी सीताराम सीताराम हो जाए। भगवान से कम प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी एक बार हमको भी श्याम से मिला दीजिए। आइए ये सुंदर भजन के साथ में हम कथा में आगे चलते हैं। मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार। हम सभी प्रार्थना करते हैं ठाकुर, अब मैया से ही पुकारना पड़ेगा कि भगवान को पाना हो तो पहले, तो आइए ये सुंदर भजन के साथ में पुकार करते हैं। मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने बारी, कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वाली। श्री राधे मीठी मीठी तालियों के साथ में। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं और उनको थोड़ा प्रशंसा तो करना चाहिए, अब राधा रानी से मिलवाना है तो उनका प्रशंसा करते हैं। गोलक के ठाकुर प्यारे, गोलक के
ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, गोलोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे। हे कृष्ण लीला गोसा, हे कृष्ण लीला गोसा, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानो दुलारी, श्री राधे बरसाने बारी, श्री राधे बरसाने बारी, कृपा करो राधे दुलारी, श्री राधे रानी। ठाकुर से कहते हैं, तुम ही हो मोहन, तुम ही हो राधा, तुम हो मोहन, तुम ही हो राधा, तुम ही हो मोहन, तुम ही हो राधा, तुम ही हो मोहन, तुम ही हो राधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा, तुझ बिन मोहन राधा राधा आधा आधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा, नंद नंदन प्राण आधा, नंद नंदन प्राण आधार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानो दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानो दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानो दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानो दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी, कृपा करो भानो दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। राधा रानी सरकार के जय। तो आइए अब आगे प्रश्न में प्रवेश करते हैं। आगे तीसरी बेटी प्रसूति का यहाँ वर्णन है, मनु महाराज की तीसरी बेटी जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और 60 कन्याएं उत्पत्ति हुई, उत्पन्न हुई, और जिनका जिनमें जो ज्येष्ठ सुपुत्री थी सती देवी, उनका विवाह हुआ भगवान शंकर जी से। और एक बार माता सती को अपने पिताजी का यज्ञ में अपना शरीर से प्राण त्याग करना पड़ा। तब यहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु ये तो बड़ा अनर्थ हुआ, अपने पिताजी के यज्ञ में ही माता सती को क्यों प्राण त्याग करना पड़ा, प्रश्न करते हैं। तब यहाँ सुखदेव स्वामी कहते, एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में शांति सभा का आयोजन किए और उस शांति सभा में दक्ष प्रजापति को प्रमुख अतिथि का रूप में आमंत्रण किया गया था और उस भारी सभा में भगवान शंकर जी भी नंदी वृंगी 64 योगिनी के साथ में पहुंच गए और आगे बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति आना थोड़ा विलंब हुआ और समय बीता रहा था, भगवान को लगा कि यह समय क्यों ऐसे ही ऐसे व्यर्थ क्यों करना, भगवान राम का स्मरण किया जाए,
भगवान शंकर जी किसका स्मरण करते थे बताइए तो? भगवान राम का स्मरण करते थे। और भगवान राम जी किसका स्मरण करते थे? शंकर जी का स्मरण करते थे। देखिए, इसलिए तो भगवान राम भगवान शंकर जी का स्मरण करते करते शांताकारम भुजग शयनम। और इधर भगवान शंकर जी भगवान राम का स्मरण करते करते कर्पूर गौरम। अब शंकर जी को लगा कि थोड़ा समय है तो भगवान राम का स्मरण किया जाए, और नेत्र बंद करके भगवान राम का स्मरण करने लगे, राम 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 राम। अब भगवान शंकर का नेत्र भी आधा बंद होता था, तो उसी समय दक्ष प्रजापति का आगमन होता है। सब लोग खड़े होकर प्रणाम करने लगे, क्योंकि कोई भी विशिष्ट व्यक्ति आया वहां पर उसका पदार्पण हुआ तो कम से कम उठकर विशिष्ट व्यक्ति हो तो नमन करना चाहिए। तब सब लोग खड़े होकर नमन करने लगे, लेकिन भगवान शंकर जी को पतो नहीं चला कि कौन आया। भगवान राम में लीन हो गए थे याद करते करते। तो उस समय जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि अपने जमाई ही हमें कोई श्रद्धा नहीं कर रहा है, तो बड़ा क्रोध आया और वहां गाली देने लगा, बोलने लगा, अरे देखो देखो, देखने में भी कैसे भयंकर है, बागंबर पहनता है, गले में सांपों का माला लगाता है, और कुंडल भी तो सांप का है, और देखो जटाधारी, शरीर में भस्म धारण करता है। और आज मैं दक्ष प्रजापति सभी के मध्य में उपस्थित हुआ, सब लोग खड़े होकर नमन करने लगे, देखो, और ये मुझे कुछ मानता ही नहीं, बैठा रहा। तब नंदी जी को बड़ा क्रोध आया, तब नंदी जी बोलने लगे, अरे जब से आया है तब से बकरी की तरह मैं कर रहे हो, तुम्हारे सर बकरी की हो जाए, श्राप दे दी। अब दक्ष प्रजापति को भी बड़ा क्रोध आया, जाओ तुम सब लोग, आज के बाद कोई भी यज्ञ होगा तो बिना शंकर के ही होगा, शंकर के बिना यज्ञ होगा आज के बाद, ऐसा कहने लगा दक्ष प्रजापति। और तुम सब लोग पाखंडी हो, बोलने लगा। तब नंदी को बड़ा क्रोध आया, तब कहने लगे कि जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं सबने मेरे गुरुदेव का, क्योंकि शास्त्र कहता है सब कुछ सुनो लेकिन गुरु निंदा कभी मत सुनो, या तो उठ के चले जाओ वहां से, या तो कान बंद करो, या कुछ बोलो, प्रतिकार करो, गुरु निंदा कभी मत सुनो। तो जब नंदी महाराज को सुनाई दिया अपने गुरु का ही निंदा हो रहा है, तो बड़ा क्रोध में नंदी जी भी कहने लगे, जितने भी भक्तगण आज यहाँ बैठ के सुन रहे हैं कि मेरे गुरुदेव का निंदा श्रवण किए, ये सबको भिक्षाटन करके ही अपना जीवन गुजारना पड़ेगा, जितने भी ब्राह्मण उपस्थित है, इसलिए ब्राह्मण को ये श्राप दिया गया। फिर वहां से वो शांति सभा तो क्रांति सभा हो गया, तब ब्रह्मा जी आए और सभा का विसर्जन करने लगे। इधर दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया था कि मैं बिना शंकर का ही यज्ञ करूंगा ही करूंगा, या तो करवाऊंगा। तब एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में 33 कोटि देवी देवताओं का आमंत्रण किए, भगवान विष्णु को आमंत्रण किया, ब्रह्मा जी को, इंद्र को, सबको आमंत्रण किया, लेकिन भगवान शंकर जी को आमंत्रण नहीं किया। अब भगवान शंकर को तो पता था कि ये आमंत्रण करेगा नहीं, लेकिन सती मैया को पता नहीं था। एक दिन दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे, उसी समय आकाश में बड़े बड़े विमान जाने लगे अपने पिताजी के घर के तरफ। तो पूछती है मैया कि स्वामी आज कहीं कुछ कार्यक्रम है कि क्या है, देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर जी
उस बात को हटाकर अपने में खींच के लाते हैं, लेकिन अपने बात रखते हैं, लेकिन मैया नहीं मानती। फिर कहती है कि नहीं नहीं, बोलिए ना स्वामी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शंकर ने सब बात बताई। तब मैया कहती है कि वो तो मेरे पिताजी हैं, एक बार जाके समझाती हूँ, वो समझेंगे। लेकिन शंकर जी कहते हैं कि मत जाओ, अनर्थ हो जाएगा। मैया कहती है नहीं नहीं, मैं एक बार जाके समझाती हूँ, क्योंकि बिना शंकर के कोई भी यज्ञ सफल नहीं होगा, इसलिए एक बार जाके समझाती हूँ। जिद्दी करने लगी। तब भगवान शंकर जी नंदी वृंगी के साथ में भेज देते हैं। जाती है, जाकर माता पिता को प्रणाम करती है, और पहले तो दक्ष प्रजापति को लगा कि शंकर जी भी आए होंगे। जब शंकर जी को नहीं देखे, तब जाकर अरे बेटी तू आई, बड़ा अच्छा कि वो नहीं आया, ठीक है तू यज्ञ में बैठ, और वो नहीं आया, अच्छा हुआ। लेकिन सती मैया कहती है कि पिताजी, बिना शंकर के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, तो इसलिए उनको बुलाइए। लेकिन दक्ष प्रजापति कहता है कि नहीं, उसका नाम भी मत लो, उसका नाम भी अशुभ लगता है मुझे, भारी सभा के मध्य में मुझे बेइज्जती कर दिया, उठ के सम्मान भी नहीं किया। तब जाकर सती मैया कहती है कि पिताजी ऐसा मत कहिए, मेरे स्वामी है। लेकिन दक्ष प्रजापति नाना भांति वो बोलने लगा, और सती माता को सहन नहीं हुआ अपने पति का अपमान। तब जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए हाथ जोड़कर यज्ञ में 3 बार परिक्रमा लगाई, और यज्ञ कुंड में अपने प्राण आहुति कर दी। हाहाकार मचने लगा, सब लोग भागने लगे। अब क्या हो गया है, अपने पिताजी के यज्ञ में अब कोई पुत्री आ गई यज्ञ कुंड में, अपने आप को आहुति दे दी, तो ये इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है। तब सब भागने लगे। तब तो नंदी बृंगी को बड़ा क्रोध आया, तब यज्ञ विध्वंस करने लगे। अब नारद जी दौड़ दौड़ के आते भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर के पास आके कहते प्रभु, आज माता सती ने दक्ष का जो यज्ञ में यज्ञ कुंड में अपने प्राण को आहुति दे दी। जैसे भगवान शंकर ने श्रवण किया, तो एक जटा को जमीन की ओर पछाड़े, तो वहां से एक वीरभद्र नाम का भगवान शंकर के अंश प्रकट होते हैं। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। तब कहने लगे जाओ वीरभद्र, जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो और दक्ष का अंत कर दो। तब जाकर वीरभद्र भगवान जाते हैं, जाकर यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, और वहां दक्ष का सिर को उस हवन कुंड में हवन करके अंत कर देते हैं दक्ष का। तब पुनः सभी देवी देवताओं आकर भगवान शंकर से प्रार्थना करते, प्रभु हम सभी का रक्षा कीजिए, आज ये घोर अनर्थ हुआ, ये क्या हो रहा है। तब भगवान शंकर जाते हैं, और दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति आकर भगवान शंकर जी के चरण में पड़ती है, प्रभु मैंने तो आपका कभी अपमान नहीं किया, और आज मैं कुछ मांग रही हूँ, पूरा कर दीजिए, आप तो दयालु है, आप भोलेनाथ हैं, कृपालु है, आशुतोष है, भक्त वत्सल है प्रभु, इसलिए मेरे पतिदेव का प्राण दान कर दीजिए। तब अब सिर तो यज्ञ कुंड में आहुति हो चुकी थी, उसके बाद भगवान शंकर ने एक बकरा का सर वीरभद्र जी काट के ले आते हैं, और वही सिर उल्टा करके दक्ष प्रजापति के सिर में जोड़ देते, प्राण दान कर देते हैं। अपनी पत्नी यज्ञ कुंड में प्राण त्याग करके वही हिमालय की
पत्नी मेनका के गर्भ में जाकर सती मैया रहती है और इधर शरीर त्याग कर देती है। वही शरीर को लेकर आज भगवान शंकर जी पूरा विश्व भ्रमण करने निकल पड़े, क्योंकि सती मैया को वचन दिए थे कि तुमको पूरा पृथ्वी का भ्रमण करवाऊंगा। अब जब तक जिंदा थी तब तक तो भ्रमण नहीं करवाए, तो मृत शरीर को भी कहने लगे कि सती आज तुमको पूरा विश्व में भ्रमण करवाऊंगा। तो पीठ में लेकर चलने लगे जहां जहां, तब उधर नारायण भगवान को जब पता चलता है तब एक मक्खी का प्रागट्य करके मक्खी को भेज देते हैं और मक्खी जाकर उस शरीर को गलाती है और धीरे धीरे से अंग पतन होता है। जहां जहां अंग पतन हुआ वहां शक्ति पीठ प्रगट होती है। इसलिए कामख्या एक पीठ है, गुजेश्वरी एक पीठ है, दंतकाली पीठ है, सब पीठ में, और जहां जहां पीठ प्रगट हुआ है वहां वहां शंकर जी भी प्रगट हुए। जहां सती माता का मंदिर है अंग पतन का, वहां भगवान शंकर का भी मंदिर है। कहीं भी एक जगह भी ऐसा नहीं है जहां गौरी का मंदिर हो और शंकर जी का नाम पूरा विश्व में। तब भगवान शंकर जी ध्यान में लीन हो जाते हैं, जब पता चलता है कि शरीर तो गलित हो गया है, तब जाकर इधर भगवान शंकर ध्यान में लीन हो जाते हैं, कामदेव आकर जगाते हैं, कामदेव भस्म हो जाते हैं और रति के ऊपर कृपा करते। ऐसे भगवान भोलेनाथ जो अपनी पत्नी प्राण त्याग करके यज्ञ कुंड में है फिर भी दक्ष प्रजापति को प्राण दान करने वाले, ऐसे भगवान भोलेनाथ अति भोले। आइए भगवान शंकर जी का इस भजन के साथ में भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी गंग विराजे, गले सर्पों की माला, ओ भोला ओ भोला ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी, जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी गंग विराजे, गले सर्पों की भोला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। तू न जाने तू किसको ध्याए, तू न जाने तू किसको ध्याए, तू न जाने तू किसको ध्याए, तू न जाने तू किसको ध्याए। रहता है तू मस्त ज्ञान में, रहता है तू मस्त ज्ञान में, रहता है तू मस्त ज्ञान में, रहता है तू मस्त ज्ञान में। पीकर भांग का प्याला, ओ भोला भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ
डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। हर हर महादेव, मीठी मीठी तालियों के साथ में। सबसे बड़ा है ज्ञानी, ओ कैलासी ओ अविनाशी, ओ कैलासी ओ अविनाशी, ओ कैलासी ओ अविनाशी, ओ कैलासी ओ अविनाशी। तू है देव निराला, भोला ओ भोला, ओ भोला डमरू वाला, 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 ओ भोला डमरू वाला। हरि बोल। अरे शंकर भगवान की, सुन लो अर्ज हमारी, भोल सुन लो अर्ज हमारी, भोल सुन लो अर्ज हमारी। जो भी सच्चे मन ध्यावे तू, जो भी सच्चे मन से ध्यावे, जो भी सच्चे मन से ध्यावे, जो भी सच्चे मन से ध्यावे, उसका संकट जब भोला, ओ भोला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, जय जय, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ बाबा डमरू वाला, ओ शंकर डमरू वाला। तेरे जैसा इस जग में ना, तेरे जैसा इस जग में ना देखा भोला भला, ओ भोला, ओ भोला, ओ भोला डमरू वाला, 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 ओ बाबा डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। बोले शंकर भगवान की, आशुतोष भगवान की जय हो। शिव चरित्र ऐसे वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत कथा में। तो आगे बड़ा सुंदर भक्त का प्रसंग है, ध्रुव चरित्र का प्रसंग आता है, भगवान के परम भक्त ध्रुव। मनु महाराज के दो बेटे थे,
एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। दोनों को गुरुकुल भेजा गया अध्ययन के निमित्त। अब प्रियव्रत महाराज उधर ही बैरागी बाबा बन के रहने लगे और उत्तानपाद को लाकर मनु महाराज ने विवाह कर दिया। और उत्तानपाद महाराज का दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि महारानी और दूसरा सुनीति। सुनीति महारानी ज्येष्ठ रानी थी, सुरुचि महारानी छोटी रानी थी। दोनों पत्नियां से एक एक पुत्र थे। सुनीति महारानी के गर्भ से ध्रुव महाराज का जन्म हुआ और सुरुचि महारानी के गर्भ से उत्तम महाराज का जन्म होता है। और राजा उत्तानपाद छोटी महारानी को बड़ा प्रेम करते हैं। छोटी महारानी को अपने दरबार में रखे और जेठी वाली महारानी को एक वन के पास में एक कुटिया बनाकर रख दिए। एक दिन ध्रुव महाराज को मन में लगता है कि अपने पिताजी के पास जाऊं, उनका दर्शन करूं, उनके गोद में एक बार बैठूं, उनका सानिध्यता प्राप्त कर लूं। यह भाव लेकर ध्रुव महाराज दरबार की ओर जाते हैं और उस समय उत्तानपाद महाराज राज सिंहासन में बैठे हुए होते हैं। तो ध्रुव महाराज जाते हैं और सीधा जाकर अपने पिता उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठते हैं। यह दृश्य छोटी महारानी सुरुचि महारानी देखती है, तब ध्रुव महाराज को कहने लगती है, अरे ध्रुव, तेरा हिम्मत कि ये राज सिंहासन में बैठने का? इस सिंहासन में बैठने के लिए तो या तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था, या तो केवल और केवल भगवान सामर्थ्यवान, और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। ध्रुव महाराज को बड़ा दुख लगता है कि महारानी क्या बोल रही है, रोने लगते हैं। उत्तानपाद महाराज भी कुछ नहीं बोलते। तब रोते हुए आते हैं अपनी माँ के पास, आकर माता सुनीति से कहने लगे कि आज छोटी माँ ने मुझे ऐसे बोली कि केवल और केवल भगवान सामर्थ्यवान है तुझे सिंहासन में बैठने के लिए, या तो मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। तब जाकर सुनीति महारानी क्या कहती है, धन्य हो वो तुम्हारी छोटी महारानी कि जो ज्ञान तुम्हें आज तक मैं दे नहीं पाई वो तुम्हें दे दे। कैसा ज्ञान कि केवल और केवल भगवान ही तो सामर्थ्यवान है उस कार्य के लिए। भगवान अगर चाह दे तो क्या नहीं होगा इस जग में। तब ध्रुव जी कहते हैं कि माँ, भगवान कहाँ मिलते हैं? अब छोटा सा नन्ना सा 5 साल का बालक है, अब क्या कह दो। तब कहती है सुनीति महारानी कि भगवान तो वन में जाके तपस्या करने के बाद ही मिल जाते हैं। अब रात हो चुका था, रात में सो गई माँ भी सोई। अब ध्रुव महाराज को नींद नहीं आ रही थी, क्यों? क्योंकि अब उनके मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ था कि जैसे भी हो भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। 5 साल के जो बालक है। और रात्रि के समय में माँ सो रही थी, उसी समय ध्रुव महाराज वन की ओर प्रस्थान करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। यह दृश्य नारद जी देख रहे थे, तो नारद जी के मन में यह भाव आया कि जाकर एक बार परीक्षा ले लूं इसका, एक छोटा सा बालक है, जाकर परीक्षा लेता हूं। तो जाए गए और ध्रुव महाराज का परीक्षा लेने लगे कि छोटा बालक हो, चले जाओ, तुम्हारी माँ रो रही है और तुम यहाँ बन के और आ रहे हो। बड़े बड़े जानवर होते हैं,
और यहाँ से चले जाओ, ये ठीक नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा हजारों साल से तपस्या कर रहे फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं किए, तो तुम कहां से प्राप्त करोगे, ऐसे कहने लगे। लेकिन ध्रुव महाराज ने जीत पकड़ लिए कि जैसे भी हो भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। तब जाकर नारद जी सोचने लगे कि यह शिष्य मेरा भगवान को प्राप्त करके ही रहेगा, इसको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहिए, मंत्र देना चाहिए, अपना शिष्य बनाना चाहिए। यहाँ जितने भक्त बैठे हैं सबने अपने अपने एक एक गुरु तो बनाए होंगे जीवन में। गुरु के बिना भगवान तक पहुंचने का मार्ग ही पता नहीं चलेगा। अच्छा, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन तो अभी शुरू ही नहीं। तो यहाँ आज ध्रुव महाराज नारद जी एक मंत्र देते हैं, आइए, वह द्वादशाक्षर महामंत्र। जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो यह महामंत्र रोज रोज आप जाप करिए। ध्रुव महाराज ने भी यही मंत्र के माध्यम से भगवान को प्राप्त किए थे, तो यह महामंत्र कुछ क्षण सभी उच्चारण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेव भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह द्वादशाक्षर महामंत्र जो है नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान किए थे और यही मंत्र के साथ में आज नारद जी वन की ओर प्रस्थान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करने लगे यमुना जी के तट में जाकर। और एक दिन ऐसा दिन आया कि भक्त प्रहलाद केवल केवल जाप में इतना लीन हो गए कि केवल भगवान को ही स्मरण करके रहने लगे, केवल ध्यान के माध्यम से हवा भी पीना बंद कर दिया। केवल 5 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया और जब हवा भी पीना बंद कर दिए तब सब देवता जाकर कहते प्रभु अब तो जाइए, 5 साल के नन्हे बालक आपको पुकार रहा है, जाकर दर्शन दीजिए। तब भगवान क्या कहते हैं, मैं तो भक्त ध्रुव का दर्शन करने जाता हूँ, उनको दर्शन देने नहीं, ऐसा भक्त को तो दर्शन करने जाता हूँ। तब भगवान जाते हैं, जाने के बाद ध्रुव महाराज के अंदर भगवान ने पहले से ही दर्शन दिया रखा था, वो नेत्र बंद करके भगवान का ही दर्शन कर रहे थे और वो छटा को लुप्त कर दिए। तब ध्रुव महाराज नेत्र खोलते तो आगे साक्षात श्री नारायण चतुर्बाहु रूप में प्रकट हो गए हैं। श्री नारायण भगवान की। अब गुरुदेव ने मंत्र तो दिया था भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन ये नहीं बताया कि भगवान जब आएंगे तो करना क्या चाहिए। अब वो मंत्र द्वारा भगवान तो आ गए, अब क्या करना है कुछ भी पता नहीं, केवल भगवान को दिखते रह गए। तब भगवान को पता चला कि ये बालक कुछ बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन इसको कुछ पता नहीं। तब अपना जो शंख था गाल में लाकर स्पर्श कर दिए शरीर में। तब ध्रुव जी महाराज ने 13 श्लोक में भगवान का स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां, 13 श्लोक में स्तुति किया है भगवान का। देखिए भगवान का जब कृपा होता है ना, तुलसीदास जी कहां जाके पढ़े लिखे थे इतना विद्वान कि रामायण का रचना कर दी, वो भी उन्होंने जब भगवान का कृपा होती है ना तो किसी का कुछ नहीं चलता। साक्षात भगवान शंकर जी आके तुलसीदास जी को रामायण का रचना करने का आदेश दिए थे। भगवान की कृपा जब होती है तो आज 5 साल के नन्हे से बालक ध्रुव को भी भगवान का दर्शन मिला। और ध्रुव महाराज को भगवान क्या कहते हैं कि कुछ तो मांगो। तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि तुमको कुछ नहीं चाहिए तो मैं भी कुछ दे के ही रहूंगा। तब वरदान दिए कि जाओ जिस सिंहासन में बैठने के लिए तुम आज यहाँ वन तक आए हो, जाओ और 36,000 वर्ष तक पर्यंत शासन करो और मेरे धाम पधारो। और ध्रुव महाराज जाते हैं, जाकर 36,000 वर्ष पर्यंत शासन करते हैं और जब समय होता है तो उस पर गंगा की ओर जाते हैं। एक काला काला पुरुष वहां दिखाई देता है और ध्रुव महाराज को कहता है कि प्रभु आज तक कोई भी मनुष्य मेरे स्पर्श बिना भगवान का धाम नहीं जाता है, लेकिन आप ऐसे भक्त हो जिसको मैं स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे स्पर्श करके ये विमान में चढ़ जाइए और भगवान का धाम जाइए। तब काल को स्पर्श करते हुए ध्रुव जी महाराज भगवान की धाम जाने लगते हैं। तब उसी समय अपनी माता सुनीति महारानी का याद आता है और कहने लगते कि मैं माता को भी साथ ले जाऊंगा।
तब पार्षद के नहीं लगा कि आपसे पहले ये ऊपर के विमान में आपकी माताजी बैठी हुई है, तो आप भी अब चलिए। तब ध्रुव जी महाराज जब भगवान का धाम पहुंचे तो भगवान ने उनको एक लोक प्रदान कर दिए, ध्रुव लोक। इस जग में तो सुख मिला ही, परलोक में भी भगवान ने वो प्रदान कर दिए, लोक ही प्रदान कर दिए। तब तुलसीदास जी कहते हैं, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाउ। मरने के बाद भी आज ऐसे गति प्राप्त हुई। आगे इन्हीं के वंश में अनेकों प्रसंग का कथा आता है, पुरंजन पुरंजनी पाख्यान आता है, तो उसके आगे उत्तानवाद के बाद प्रियव्रत राजा का प्रसंग हम श्रवण करते हैं, जो मनु महाराज के दो बेटे में उत्तानपाद का प्रसंग हम सभी ने श्रवण किया। और प्रियव्रत राजा जो वैरागी बनकर आश्रम में ही रहे थे, तो उनको जाकर लाए मनु महाराज और विवाह कर देते हैं। और आगे प्रियव्रत राजा के मन में एक भाव आता है कि ये जो सूर्य नारायण है केवल दिन में दिखाई देते हैं, रात के समय में दिखाई नहीं देते, तो दूसरा सूर्य का निर्माण करता हूँ, ये भाव प्रियव्रत राजा के मन में आता है और दूसरा सूर्य का रचना करते हैं। और रात्रि के समय में भी सूर्य नारायण का दर्शन मिलने लगा। और इन जितने भी लोग थे वो लोग दिन और रात दोनों समय काम करने लगे। तब ब्रह्मा जी को जब पता चला तो आते हैं और प्रियव्रत राजा को समझाते हैं कि रात्रि के समय मनुष्य का विश्राम का समय है, इसलिए ये कर्म जो कर रहे हो इसको अंत करो। तब वो सूर्य का सात टुकड़े बनाकर सात समुन्दर पैदा करते हैं प्रियव्रत राजा। और इन्हीं के वंश में आकर ऋषभ देव जी का जन्म होता है, जो ऋषभ देव जिसे ही जैन धर्म का शुरुआत हुआ। आप सभी ने देखे होंगे, कथा प्रवचन तो सुने होंगे, मुंह में जो पट्टी लगा के जो कथा प्रवचन जो सुनते होंगे, वो जैन धर्म का शुरुआत ऋषभदेव महाराज इन्हीं के वंश में आगे ऋषभदेव महाराज जिसे हुए। और इन्हीं के वंश में एक बड़े प्रतिभाशाली राजा हुए जिसका नाम भरत राजा था। यह भारत खंड उन्हीं के नाम से शुरुआत हुआ, भरत राजा, जो करोड़ों वर्ष तक शासन करने के बाद अपने पुत्र को राजगद्दी में बिठाकर गंडकी नदी के तट में जाकर ध्यान करने लगे। आप सभी को पता है गंडकी नदी कहाँ है? पता है? नेपाल में ही है। गंडकी नदी मुक्तिनाथ दामोदर कुंड से भगवान विष्णु के नाभि माना गया है दामोदर कुंड को, और वहीं से गंडकी नदी बहती है और वहां से शालिग्राम भगवान का प्रकट होता है। शालिग्राम भगवान जहां मिलते वो दामोदर कुंड से प्रकट होते हैं और बहते हुए आते हैं नीचे मुक्तिनाथ धाम। सुने होंगे वो, तो गए भी है, दर्शन भी किए। तो वहां वही गंडकी नदी में जाकर भरत राजा ध्यान करने लगे। वहां भी आज भी आप लोग जाएंगे तो वहां आश्रम दिखाई देगा, भरत राजा ने जहां पर ध्यान किए थे वो आश्रम आज भी दिखाई देगा, गलेश्वर आश्रम। तो वहां ध्यान करने लगे गंडकी नदी के तट में। तो एक दिन क्या घटना हुआ कि राजा सूर्यनारायण को जल अर्पित कर ही रहे थे, उसी समय एक मृग गर्विणी मृग उधर से आती है और प्रसव पीड़ा से बड़ा कष्ट हो रहा है। उसी समय एक पीछे एक शेर पीछे पीछे आ रहा है, उसको मारने के लिए आ रहा है पीछे पीछे। और वो गर्विणी मृग क्या कर रही है, वहां से भाग रही है,
मुझे तो ये मार ले, लेकिन मेरे गर्भ से जो बच्चा जन्म ले रहा है इसको कम से कम सुरक्षित स्थान पहुंचाऊं। भाग रही थी और छलांग लगा के जैसे जा ही रही थी बीच में, जल के बीच में, वो बल से संतान का जन्म होता है और छोटा सा मृग को पानी पानी में बहने लगता है वो छोटा सा बच्चा, और वही बच्चा मृग का छोटा सा नन्ना सा बच्चा को भरत राजा लेके आते हैं घर में। जो मृगड़ी थी वो उसका मृत्यु होता है, इधर छोटा सा बच्चा लेके आते हैं और भरत राजा को लगता है कि इसका अब कौन है, केवल मैं ही तो हूँ इसका सेवा करने वाला रखवाला सब। तो छोटे छोटे घास के पत्ते खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और मृग के ऊपर इतना आसक्ति होने लगता है भरत राजा को कि सुबह से शाम तक राम नाम छोड़कर मृग 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 करने लगते हैं। देखिए यह कथा बड़ा सुंदर ज्ञान देने वाली है। राम नाम के लिए घर 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करने वाले राजा आज वन में जाकर तपस्या करने के लिए भगवान के नाम लेने के लिए गए थे और आज वही राजा क्या कर रहे हैं, वन में बैठकर मृग 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 करने लगे सुबह से शाम तक। जब मृग खाएगा तब भोजन करूंगा, जब मृग सोएगा तब मैं सोऊंगा, ऐसा आसक्ति होने लगा। एक दिन ध्यान में मग्न हुए थे भरत राजा, उसी समय एक मृग का झुंड आया। अब वो छोटा सा मृग को लगा अरे मेरा तो सब संसार उधर है, मेरे लोग उधर है, तो वो ही झुंड में मिश्रित होकर मृग चल गया। जब भरत राजा नेत्र खोले तो देखे मृग नहीं है, तब मृग को ढूंढने लगे इधर उधर, सब जाकर वृक्षों से पूछने लगे तुम लोग ने मेरे मृग को देखा, सूर्य नारायण से पूछने लगे मेरे मृग को तुमने देखा, कहीं से उत्तर नहीं आया। तब अंत में मृग 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 करते करते उनका अंत हो जाता है। अब हमारे शास्त्र कहती है कि अंते मति सागति, मरने के समय में जैसा मति होता है ना दूसरा जन्म वैसे ही होता है, इसलिए मरने के समय में क्या निकलना चाहिए मुझसे क्या निकलना चाहिए, भगवान नाम बोलिए राधे 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 राधे, कम से कम उस क्षण तो कम से कम उसे भगवान नाम आए। तो इसीलिए अभी से इस जीवा को बार बार क्या रटना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, राम राम राधे राधे, जो भी हो भगवान का नाम कुछ भी हो। और यहाँ आज दूसरा जन्म भरत राजा का मृग के जीवन मृग के योनि में हुआ, अब मृग बन गए भरत राजा, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म के कारण सब कुछ याद था। अब भरत राजा दूसरा जन्म जब हुआ सूखे घास के पत्ते खाकर वो जीवन त्याग करने लगे, वो जीवन को छोड़ दिए। अब तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण के घर में, उस समय भी उनका नाम भरत ही रखा गया, भरत जन्म लिए। अब इस जन्म में भी मेरा उद्धार नहीं होगा तो मैं भटकते रहूंगा 84 लाख योनियों में, बार बार जन्म लेना बार बार मरना। अब इस जन्म में मुझे क्या करना है, अब मैं गूंगे की भांति रहूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ भी, और ऐसे व्यवहार करने लगे कि एक घर में जब पैदा होता है ना गूंगा बच्चा वैसे ही व्यवहार। अब सबको अपने बड़े बड़े भैयाओं का सबका शादी हुआ और वैसे ही रह गए। और एक दिन घर में जब तक माता पिता थे तब तक तो बच्चे का थोड़ा ध्यान रखते थे, अब माता पिता गुजर गए तो कौन देखेगा वैसा बच्चा, तो घर से निकाल दी, कहने लगे जाकर खेत में रहो, खेत में एक छोटा सा कुटिया बना दिए और कहते थे कि देखना यहाँ कोई चिड़िया आकर हमारे खेत में कुछ अन्न नहीं खाना चाहिए, अच्छा से देखो रखवाल करो।
लेकिन भरत राजा के मन में क्या आता था, ये खेत भी भगवान श्री राम का है, ये अन्न भी भगवान श्री राम के ही है, और ये जितने चिड़िया है ये भी भगवान राम ही है। तब क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पे। कर खिलाने लगे आज आज भरत राजा, तब सब भाइयों को पता चला और आकर वहां से भी निकाल दे। तब भरत राजा मनी मन कहते हैं, अच्छा ही हुआ, जितना चलूंगा उतना तीर्थाटन भी करूंगा और भगवान का भजन भी करूंगा। जा ही रहे थे, रास्ते में एक रघुगण राजा कपिलदेव मुनि के आश्रम में ज्ञान अर्जित करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक कहार बीमार पड़ जाता है। तब कहने लगे कि यह मेरा राज्य है, जाकर जिस किसी को भी ले आओ, मुझे जाना है कपिलदेव मुनि के आश्रम। तब जाकर देखते तो भरत राजा हट्टा कट्टा इसी को ले जाए, लेके जाते हैं। भरत राजा रथ को डोली को उठाते हैं और जैसे मार्ग में चींटियां दिखाई देती हैं, तो वहां थोड़ा रास्ता इधर उधर हो ही जाता था, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी कीट पतंग मेरे पैरों से मरना नहीं चाहिए, किसी को भी कष्ट ना हो, क्योंकि इसमें भी तो भगवान राम है, यह भाव उनमें था। जब जब चींटियां चलती थी तो जंप करने लगे, तो पालकी में बैठे हुए राजा को थोड़ा ठक्कर लगता था, तो बड़ा क्रोध से कहने लगे कि कौन ऐसा कर रहा। तो और जितने भी थे सब बोलने लगे, नए वाला अभी जो आया था वही ऐसा कर रहा है महाराज। तब राजा कहने लगे कि अरे अब फिर ऐसा करोगे तो तुमको मैं दंड दूंगा। अब भरत राजा के मन में आया कि अब भी मैं कुछ नहीं बोला तो अनर्थ हो जाएगा, अब तो मुझे कुछ बोलना ही चाहिए। तब कहने लगे कि महाराज दंड किसको दोगे,
यह शरीर को, ये शरीर तो नाशवान है और ये आत्मा को, आत्मा तो कभी दिखाई देती नहीं। अब महाराज को लगा कि ये तो कोई पंडित ज्ञानी है ऐसा बात कहने वाला। तब पालकी से उतर गए और भरत राजा से प्रश्न पूछने लगे। भरत राजा कहते कि यह भारत खंड जो है मेरे नाम से ही हुआ था। एक बार करोड़ साल तक मैंने राज्य किया, लेकिन आज एक मृग के आसक्ति में पड़ने के कारण मेरा जीवन ऐसा हुआ। इसलिए ज्ञान देते हैं कि भगवान का नाम जाप करो, भगवान को स्मरण करो, भक्ति मार्ग अपनाओ। तब ज्ञान देने लगे। तब ऐसे कपिल देव मुनि के आश्रम जाने वाला रघुगण राजा को भरत राजा ज्ञान देते हैं और बाद में भगवान का नाम जपते हुए परम धाम हो जाते हैं। ऐसे कथा है। इसलिए आजकल दिखाई देता है ज्यादातर, देखिए जैसे भरत राजा मृग मृग करते करते प्राण चला गया, वैसे आजकल घर घर में क्या रखे पता है आप लोगों? कुत्ता, उसी के साथ सोते हैं, उसी के साथ उठते हैं, उसी के लेके चलते हैं। पहले पहले क्या होता था, गांव में कुत्ता सड़क पर मिलता था और गौ माता घर में। आजकल सड़क में गौ माता मिलती है और कुत्ता घर में, उल्टा हो रहा है देखिए। और गांव में क्या मिलता है, बुजुर्ग लोग घर में रहते हैं, जितने भी जैसे भी हो सुख दुख में वैसे रखते थे। लेकिन आजकल वृद्ध लोग को ज्यादातर कहाँ रखते हैं, वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। हमारा भी एक आश्रम है, उस आश्रम में बुजुर्ग लोग जो मैं सेवा करती हूँ, सड़क से बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, लेके जाना, उन लोग का सेवा करना, उन लोग को भोजन का व्यवस्था करना, उन लोग को वस्त्र देना और भागवत के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना और जो ज्ञान हम हमारे जीवन में अपनाना चाहिए उसको अपनाकर सेवा करना। यह देखने के बाद क्या लगता है कि आजकल कलयुग में हर मनुष्य के अंदर स्वार्थपन इतना बढ़ गया है कि अपने अपने को ही नहीं पहचानता है। और इसमें हमारा भी गलती है, क्योंकि बच्चे को ये सिखा देते हम बचपन में ही कि बड़े होकर बड़ा सा बिल्डिंग बनाना चाहिए, कार खरीदना चाहिए, घर में एसी लगाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। ये नहीं कहा जाता है कि घर में जीवित भगवान है माता पिता, उनका सेवा भी करना चाहिए, असल बनना चाहिए, ज्ञानी बनना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, सुबह शाम कम से कम दीपक जलाना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक है, बिना संस्कार के ज्ञान क्या, उसका क्या महत्व है? तो यहाँ आज भरत राजा ऐसे ज्ञान देते हैं और आगे प्रसंग में परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि महाराज कैसे लोग को नरक नहीं जाना पड़ेगा, आगे का प्रश्न है। देखिए तो सबको आवश्यक है, नरक तो जाना किसी को नहीं है, सबको भगवान का ही धाम जाना है, लेकिन कैसे लोग भगवान स्वर्ग जा सकते हैं, यानी कि किसे लोग को नरक नहीं जाना पड़ेगा बता दीजिए। तो आज सुखदेव स्वामी कहते दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के लोग जिसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। एक जो जीवन भर भगवान का नाम जाप करता हो, एक नंबर, और दूसरा जो अपने पाप को प्रायश्चित करके दान करता हो। ये दो प्रकार के भक्त जो है इनको नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज कहते कि मैंने सुना था कि पापों का प्रायश्चित करके दान करने से तो स्वर्ग मिलता है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन नाम लेने से किसका उद्धार हुआ था ये बता दीजिए। तब अजामिल नाम के एक ब्राह्मण का कथा प्रसंग यहाँ सुनाते हैं। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण था,
जो अपने पत्नी को छोड़कर परस्त्री के साथ रहने लगा और उसके साथ 9 बच्चे हुए। एक दिन भगवान की कृपा से कुछ संत महात्माएं उनके घर आते हैं और 10 नंबर के जो बच्चे हैं वो गर्भ में था वो स्त्री के। तब संत महात्मा कहते हैं कि इस जो बच्चे का जन्म होगा उसका नाम नारायण रख देना। और संत महात्मा दूसरा दिन चले जाते हैं। समय बीता गया और एक दिन जब उस बालक का जन्म होता है तो उस दिन तो उनका नाम नारायण रखा जाता है और छोटा बच्चा उस अजामिल का बड़ा प्रिय था। जब देखो तब नारायण 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 कहने लगा। तो एक दिन बड़े बड़े काले काले पुरुष 2 पुरुष आ गए उसको लेने के लिए। तब अजामिल को बड़ा भय हुआ और अपने छोटा बेटा को बुलाने लगा नारायण नारायण करते हुए। तो उस समय उसका बेटा नारायण तो नहीं आया लेकिन भगवान श्री नारायण के पार्षद आए वहां पहुंच गए और वो बड़े बड़े काले काले पुरुषों को पिटने लगे। तब वो लोग कहते हैं कि आप लोग कौन हो? तो वो कहते हैं कि हम नारायण के पार्षद है, भगवान श्री नारायण के पार्षद है। तब ये तो बड़ा से बड़ा पापी है, आप लोग क्यों आए यहाँ? तो कहते हैं कि तुमने नहीं सुना इसने क्या कहा? तो कहते हैं कि हाँ इसने तो नारायण कहा। तो तुम लोग को पता नहीं हमारे स्वामी का नाम नारायण है? नहीं नहीं महाराज, इसने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा था। अब भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसका जो बेटा है ना इसका नाम तो बाद में रखा गया, हमारे प्रभु का नाम तो अनादि काल से नारायण है, तो इन्होंने नारायण को ही पुकारा है। तब वो काले काले पुरुष गए यमपुर में, यमलोक में, यमराज से जाके पूछते हैं कि प्रभु ये नारायण कौन है? जब धर्मराज प्रभु ने सुने कि नारायण का नाम, तब क्या कहते हैं? अरे धीरे से बोलो। क्यों? क्योंकि अंदर जितने पापी है ना उन लोग को सुनाई दिया देगा तो वो लोग भी वैकुंठ की ओर चले जाएंगे, तो हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा धीरे से बोलो। तो कौन है ये नारायण? तब कहते हैं कि मैं भी तो कहां इतना ज्यादा जानता हूं श्री नारायण तत्व को, थोड़ा सा ही तो जानता हूं। और प्रभु श्री नारायण जिसने यह नारायण नाम लेगा अंत समय में, यानी कि भगवान का नाम लेगा, तो उसको कभी भी यमलोक में मत लाना। तब परीक्षित महाराज बड़ा प्रसन्न होते, अरे भगवान का नाम से भी ऐसा वैकुंठ प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान का नाम निरंतर 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 जाप कीजिए ताकि उस नाम के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त हो जाए, अंत समय में सब कुछ भूल जाए। एक स्कूल के बाहर एक कुल्फी बेचने वाला था, वो सुबह से शाम तक कहता था कुल्फी ले लो कुल्फी ले लो कुल्फी ले लो। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसी में किसी का मृत्यु हुआ और मलाम जाने लगा उन लोग के साथ में, तो सब लोग कहते थे राम नाम सत्य हो राम नाम सत्य हो। अब उसके जीभ में ये बैठा हुआ था कुल्फी ले लो कुल्फी ले लो। अब वो कहता था कुल्फी ले लो कुल्फी ले लो। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने जीभ को रटाया लगा दिया, उसका दिमाग कहीं और चलता था लेकिन जीभ कहता था कुल्फी ले लो। क्यों? क्योंकि उसका जीव उसी मार्ग पर चल गया था। तो आप लोग भी अंत समय में भला हमारा शुद्ध बुद्ध खो जाए, हम अपने बेटी बहू पुत्र को पहचानना भूल जाए, लेकिन उस समय भी भगवान का नाम निरंतर जीव पे आए। भगवान का नाम जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो राधा रमन राधा
राधा रमन कहो Bye.
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो यहाँ परीक्षित महाराज पूछते हैं कि प्रभु अब मुझे एक ऐसा कथा सुनाइए कि भगवान ने कभी भी किसी का भेदभाव नहीं किया, यानी कि जब देखो तब देवता को ही समर्थन करते भगवान, लेकिन दैत्यों का कोई साथ दिए भगवान, तब यहाँ भक्त प्रहलाद चरित्र आता है। बड़ा सुंदर कथा। भक्त प्रहलाद जो दैत्यों के कुल में थे, और यहाँ नवदा भक्ति का ज्ञान का कथा है। यह कथा जो श्रवण करेगा उसको भक्ति प्राप्त होगी, यह लिखा गया है। तो यहाँ भक्त प्रहलाद का कथा आता है। जब हिरण्याक्ष का वध होता है तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, तब मद्राचल पर्वत में जाकर तपस्या करने लगा और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। कैसा वरदान? ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, और 12 महीना में किसी महीना में ना मरू। तब वापस आया तो घर में भक्त प्रहलाद, भगवान ने अपने भक्त को भेज दिए थे, तो ही भक्त प्रहलाद जब देखो तब भगवान विष्णु का नाम लेते थे। तब हिरण्यकश्यपु ने मारने के लिए बहुत सारा, अपनी बहन होलिका को भी प्रयोग किया, हाथी का, बिच्छू का, सांप का, अनेक प्रयत्न करने पर भी भक्त प्रहलाद का अंत नहीं हुआ। तब जाकर बड़ा क्रोध में एक खंबे को दिखा कर कहने लगे, अरे तुमको रक्षा करने वाला कौन है? तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मेरे भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र है, कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होए में जाना। भगवान तो यत्र तत्र है, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और एक खंबे को दिखाकर कहने लगा कि तुम्हारा भगवान ये खंबे में भी है। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, हाँ पिताजी यहाँ भी है। अब भक्त का वचन रखने के लिए भगवान खंबे में प्रकट हो गए। जैसे हिरण्यकश्यप ने तलवार प्रहार किया, वहां से भगवान नृसिंह प्रकट होते है। बोलिए नृसिंह भगवान की। तब भगवान नृसिंह अवतार रूपी भगवान युद्ध करने लगे हिरण्यकश्यप से। कुछ क्षण युद्ध करने के बाद अब समय हुआ, शाम का समय हुआ, तब मारने के लिए तैयार हो गए। और हिरण्यकश्यप कहते हैं, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। तो वरदान को याद करो, ना बाहर मरू ना भीतर मरू, तू ना बाहर है ना भीतर, दरवाजे के ठीक बीच में। तो ऊपर ना ऊपर मरू ना नीचे, तू ना ऊपर है ना नीचे है, तू तो मेरे गोद में है, तो किसी भी हथियार से ना मरू, तो तुझे मैं मेरा नाखून से मारूंगा, ये तो कोई हथियार नहीं। तब जाके कहता है कि 12 जो महीना है, एक किसी महीना में ना मरू, तो तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल महीना बनाया है, पुरुषोत्तम महीना, 13वां महीना। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा कहकर भगवान ने अपने नाखून से ऐसे पेट फाड़ दिया कि हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। तब भक्त प्रहलाद आके स्तुति करने लगे, आरती करने लगे, तब जाके भगवान शांत हुए और भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा करते हैं। आइए इसी कथा के साथ में आज तृतीय दिवस की कथा का हम सभी विश्राम देते हैं। कल चतुर्थ दिवस है, आप सभी भक्तगण, कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाएगा, आप सभी उपस्थित हो जाइए। गाते हैं क्या? राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे
राधे कहने की आदत इसी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने आदत इसी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत इसी हो गई है। राधे राधे जय हो श्री राधे कहने की आदत इसी हो गई है। और भक्त कहते हैं क्या, कोई पागल या दीवाना यार मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। राधे बो राधे बो राधे बो राधे बो जय हो, राधे बो राधे बो राधे बो राधे बो। ऐसी बात ऐसी बातों को कहने की आदत इसी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत इसी हो गई। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई, अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो अब कोई गम नहीं, हमको तेरे नाम हमको तेरे नाम की आदत सी आदत सी हो गई। राधे राधे श्री राधे आदत हो गई। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई। राधे राधे श्री
राधे कहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। बोली राधा रानी सरकार की जय, लखन दाता की जय।